अलग अलग युगों में अलग अलग स्थानों पर अपनी लीलाओं का विस्तार करने के लिए ऐसी ही शक्ति की देवी है माता कैला देवी। पावन करौली धाम जहां विराजमान है माता कैला देवी। ऐसी मान्यता है कि कैला देवी इस धरती पर द्वापर युग में आई थी। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण जी के धोखे में अत्याचारी कंस ने योग माया को पत्थर पर पटकना चाहा, तो योग माया उसके हाथ से छूटकर आसमान में उड़ गई। उसी योग माया का रूप माता कैला देवी को माना जाता है। राजस्थान के करौली धाम में स्थित यह मंदिर देश भर के श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। यहां प्रतिवर्ष चैत्र माह में 15 दिनों तक अनवरत चलने वाला मेला लगता है। मेले में जहां एक ओर माता की जयकार से सारा इलाका गुंजायमान होता है, वहीं दूसरी ओर माता की तस्वीरों तथा अन्य सामग्रियों से सजी दुकानों में ग्राहकों की भीड़ नजर आती है। इन सब के साथ चारों ओर माता के भजनों तथा लांगुरिया गीत एवं नृत्य की धूम मचती है। जित देखूं त लाल बई लाली देखन में गयो, अरे तो मैं भी है गयो लाल। और कहा है क्या के झंडा लहर लहर लहराए लांगोरिया, ये है भवन कैला मैया को झंडा। इस मौके पर दूर दूर से भक्त यहां आते हैं। जिनके पास अपनी गाड़ी होती है वो उसी से आते हैं, जबकि कुछ भक्त बसों से यात्रा करते हैं। लेकिन इन सब से अलग माता के दर्शनार्थी साष्टांग लेटकर दंडावती यात्रा करते हुए माता के दरबार तक आते हैं। यहां मंदिर के प्रांगण में प्रतिदिन प्रसाद वितरण के बाद चांदी का सिक्का भक्तों को दिया जाता है। इसे भक्त मां का आशीर्वाद समझकर सर आंखों से लगा लेते हैं। मंदिर के प्रांगण में अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर
बहोरा भगत जी का। कहते हैं यहां भूत प्रेत तंत्र मंत्र आदि से मुक्ति मिलती है। यहीं पर स्थित है मुंडन कक्ष। लोग अपनी मन्नत के अनुसार यहां मुंडन करवाकर अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। जामा बेटा बुलाए जब तक ना दौड़ी चली। तमाम भक्त माता के दर्शन करने के बाद इस मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी तय करके केदारगिरी गुफा जाते हैं। इस गुफा में माता का प्राचीन मंदिर है। तो ये मैया का पहला स्थान है। कृष्ण भगवान ने मथुरा में उस टाइम जन्म लिया, जब शंकर भोले जी कैलाश पर्वत से पार्वती जी कह के चले कि जगदम्बा आप चलो हिंगलाज पहाड़, हिंगलाज पर्वत चलो आप, और मैं भगवान कृष्ण के दरबार शंकर भोले जी वहाँ से चल दिए। पार्वती जी हिंगलाज पहाड़ पहुँच गई है, वहाँ पहुँच के मैया में तो हिंगलाज पर्वत पहुँच गए। शंकर भोले ने भगवान के दर्शन करे, भगवान गोदी में खिलाया कृष्ण भगवान मथुरा में। वहाँ से शंकर जी यहाँ यहाँ दानव रहता था, जो वरदान दिया था भोले शंकर ने वो दानव था। यहाँ रक्त भी हम बोलते हैं उससे बूंदा नाम का दाना, और विदेशों में बोलते हैं रक्त भी वो दानव था। तो मई केदार बाबा जो यहाँ केदार नाम नाम पड़ रहा है उनका। शंकर भोले ने यहाँ आते नहीं गुफा देखी, गुफा हुई बहुत लंबी चौड़ी है, इधर से ये कारीसिल तक जा रही है। हाँ पानी नहीं था उस टाइम पर, पानी नहीं है। तो जब शंकर भोले भाई को स्नान करे कारीसिल इस गुफा से, और कारीसिल से यहाँ ही आवे, तो दानव में तपस्या नहीं कर रही उनके लिए, क्यों राक्षस था, राक्षस देवता में उस टाइम पर लड़ाई, भगवान कृष्ण ने जन्म दिया तो राक्षस मारने के हंस राजा को मारने के लिए तो जन्म लिया। तो जब यहाँ आए तो दानव ने तपस्या नहीं कर रही, अपने बैल ले बाबा और हिंगलाज पर्वत पहुँचे। हिंगलाज पर्वत जाते और मैया मिली एक छोटी सी कन्या, उसको बैल पर बैठा के यहाँ लाए। यहाँ लाए तो अब शंकर भोले तो है ही, तो यहाँ तो ये तो भजन में बैठ के माला में, और जब मैया से दानव ने उस राक्षस ने आक्रम आती है तो मैया ने युद्ध किया उससे, विकराल रूप धारण करके और युद्ध किया इस जंगल में। तो लड़ते लड़ते आए 12 साल बीत गई, मगर दानव नहीं मरे। क्यों मरे के एक बूंद खून की गिरे 100 दाने तैयार है जाने हतक काटे। मैया ने विचार सोचे वही क्या करे, वे तो भजन पे बैठ के मेरी सहायता कौन करे, चलो फौज सजाओ। तो फिर फौज की तैयारी की है, फौज सजाई है तो 12 भैरव जो ये भैरव बाबा है उसी के भैरव भवानी का जोड़ा मिलाया जलना से 12 भैरव 64 दुगुनी 56 कलुआ और जो चामंडा माँ है बगल में थी चामंडा माँ, ये भजन के द्वारा मैया ने उत्पन्न की है। तो जब फिर दानव से लड़ाई हुई है, लड़ते लड़ते और खप्पर में खून भील ली और डायरेक्ट कौन ने जिन्हें चामंडा माँ ने, क्योंकि मैया तो भक्षण नहीं करती है, चामंडा भक्षण डायरेक्ट ही खून कूटी है खप्पर में गए, बूंद एक में गिरम नहीं है। जब उसका वध किया है कारीसिल पर, कारीसिल जो नदी है वहाँ उसका वध किया है। बांसुरी बोलते हैं बाबा की यहाँ 12 साल में समाधि खुली, बाबा इधर उधर झूके के खा गई, अरे भाई वह तो कोई राक्षस खा गए, बाबा अपने चीन खा खुदका धुना से गुस्सा में आ चल दिए, चल दिए तो जाके इससे तो बाबा गए और विश्व मैया चली है, रुंदन की माला पहन रहा थी, कालका का रूप धारण कर रखा, हाथों में खप्पर धेक रही है, आस पास सिंह चल रही है। तो जब मैया
कि दर्शन करे बाबा काय भी लग गो डर को कि यू ये तो बड़ा भयंकर रहा है दर्शन ये तो मेरी भी पास मैं ये समझ गई कि डर गए बाबा झट माँ की मैं कन्या इस जगह बाबू ने उस जगह कन्या बन गई बाबा और मैया माई करे वो पीड़ा मैया बैठ हुई लगी बैठा नहीं रही बाबा ने कि चलो गोपा पे तो ये गोपा पे आए यहाँ यहाँ आके नहीं उनने विश्राम किया तो यहाँ चौपड़ पास से खेल भी चौपड़ तो आप जैसे भक्त की झाट डूब गई समुद्र समुद्र झाट डूब गई तो मैया का जब उसने सुमरन किया क्यों मैया का भक्त हो उसने सुमरन किया मैया का तो मैया यहाँ से एक रूप से तो चौपड़ पास से खेलाई गोपा में और एक रूप से जाके झांस तिराइए झांस जाके तिराइए तो मैया फिर यहाँ आई बाबा बोले भाई तेरे इस पसीने क्यों है तू तेरे सब लता पता केस भीज रही है कपड़ा भीज मेरे तो पसीना है ही नहीं मैया हंस पड़ी तो कह देखो जी मैं मेरे भक्त की झाट डूब गई समुद्र तो झाट डूब गई तो उस जहाज को तिराने गई हूँ उस जहाज को तिरा के और मैं आई हूँ जब उनने केस हलाया क्यों केसों में मतलब मेहरबानी औरत नहाए तो केसों में पानी टपकती है जब ये झरना चालू हुआ कि बाबा तुम कहाँ जा रही हो नहावे कारिसल नदी इस गुफा से अब आप नहाए स्नान करो तो ये जल कभी सूखता नहीं है 3 साल से अकाल पड़ रही है मगर जब भी पानी मिल गया फिर मैया यहाँ बातचीत है रही मैया कहे कि मैंने ऐसा दानव मारा कि बहुत तगड़ा जिसने एक बूंद खून की गिरे और 100 दाने तैयार रह जाए बाबा मना करे कि ऐसा दाना नहीं है तो कि नहीं आप देख के आओ कारिसल बांसवरियन पर मरा पड़ा हुआ है यार देख के आओ तो कि मैं जाता हूँ वचन दे मेरे लिए 1 2 3 3 वचन दिए और बाबा वहाँ से चले मैया के पास से और झट्टी समाधि के पास जमीन पटरी यहाँ की यहीं समाधि केदारगिरी बाबा अब उनका नाम पढ़ो केदारगिरी बाबा और मैया का नाम पढ़ो कैला सुन कैला देवी अरे माँ के भवन में बजे नगाड़ो छम पजनिया रे जोगनिया फिर बाजन द छम छम पजनिया रे जोगनिया नहीं स्वयं शंकर भोले जी और मैया है जो पार्वती जी है इनके तो यहाँ साहब फिर ये जंगलों बहुत घना पहले करौली बादरपुर बस है यहाँ नहीं करौली बादरपुर बस है तो यहाँ राजा जब करौली वाला शिकार खेल क्यों राजा ने काम ही पहले शिकार खेले तो एक मतलब ये होता है तो उस पर काफ़ी बंदूक चला ली फिर वो नहीं मरे ये सुस्सा होता है खरगोश राजा ने सोची कि भाई ये तो जीत बड़ा जीत खेला है तो हमें तो यहाँ बसना चाहिए तो बादरपुर छोड़ कर करौली आए बसे तो करौली बसे तो करौली मकान बनावे और झट में जो महा मैना है मचा मैना भी फैला देवे राजा को निबसन दे भाई यहाँ तो हमारी भूमि है हम कैसे बना देंगे मकान जब मैया ने सपनों दिए केला देवी ने राजा को तो कह तू मेरा यहाँ मंदिर बनवा दे इस जगह और मैं तेरी जीत करवा दूँगी राजा ने हाँ कर ली तो जब हाँ तो कह ऐसा कर भाई राजा कुआ खुदवा एक तेरे महलन पे बहुत ऊंची महल है आपने देखे ही करौली में 100 हाथ को कुआ खुदवा दिए एक एक मोहर रोजाना एक आदमी घुसावे एक मोहर दे तो अब लोभ में आए सभी जो सपत्ते जो मैना हते उनको सब मोहर असर पी दे देर के घुसा दिए उसमें और ऊपर सिर कटवा दिए इस मंदिर के समीप है चट्टानों के सीने से बहता कल कल करता निर्मल जल राजस्थान जहां पानी की कमी हमेशा महसूस होती है वहीं इस प्राकृतिक झरने से हमेशा पानी झरता रहता है
तभी लोग इसे वरदानी जल भी कहते हैं। आजा आने में न देर लगाओ माँ, ओ मेरी। लोग यहाँ अपनी खाली झोली लेकर आते हैं और माता उसमें खुशियों के फूल भर देती है। मुकड़ा ये सोए माँ, तू कहाँ सोए माँ। आजा माँ बेटा बुलाए, जब तक ना दौड़ी चली आए। रटता रहूंगा नाम तेरा माँ, बिगड़ा बना दे नसीबा मेरा। माता की दया से सराबोर भक्त खुश होकर 56 भोग से माता का दरबार सजा देते हैं। हिंडोन से कैला देवी जाने के रास्ते में मिलता है खोहरी गांव। यहाँ पर बिजासन देवी का अति प्राचीन मंदिर है। बिजासन देवी कैला माता की छोटी बहन है। इस मंदिर से कैला माता के मंदिर की दूरी 3 किलोमीटर है। संपूर्ण करौली धाम की यात्रा करने से सुख समृद्धि तथा शांति की प्राप्ति होती है। कैला देवी की यात्रा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। अपनी यात्रा समाप्त करने से पहले आइए हम सब मिलकर बोलें जय कैला मैया। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वाद साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते।